मुझे पता है कि आप मेरा ही इंतजार कर रही हैं। अब आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगी? मैं इस सिंहासन की 11वीं पुतली त्रिलोचना हूँ। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आप जब 10वीं पुतली के कहने से भी ना माने तो मैंने सोचा शायद आप मेरी कहानी से समझ जाए। अच्छा, आपकी कहानी में ऐसी क्या बात है? बात तो है, लेकिन अब ये देखना है कि आपने वो बात है कि नहीं। अगर हमारे अंदर बात ना होती तो हम राजा कैसे बनते? राजन, मैं इस सिंहासन के अधिकारी राजा विक्रमादित्य की सेवा में वर्षों तक रही हूँ। मैं आपको राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनकर स्वयं निर्णय कीजिए कि आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं या नहीं। ठीक है, ठीक है, ये तो हम कहानी सुनने के बाद ही निर्णय करेंगे। राजा विक्रमादित्य सही अर्थों में प्रजापालक थे। अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। हे हमारे प्रियजनों, हम राज्य की सुख शांति के लिए महायज्ञ करवाना चाहते हैं। हम सभी आपके इस कार्य की सराहना करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इस यज्ञ में पवन देव और सागर देव को आमंत्रित किया जाए। महाराज, इसके लिए आपको एकांत में घोर तप करना होगा। राजगुरु, हम कोई भी तप करने को तैयार हैं, परंतु राजगुरु, पवन देव को आमंत्रित करने में न जाने कितना समय जाएगा। हम चाहते हैं कि समुद्र देव की जिम्मेदारी आप संभालें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अपने ब्राह्मण मित्र से ये कार्य करवाऊंगा। और इस तरह राजा विक्रमादित्य पवन देव को बुलाने स्वयं चल पड़े और एक ब्राह्मण सागर देव को प्रसन्न करने में लग गया। ओम पवन देव प्रसन्न हो, ओम पवन देव प्रसन्न हो, ओम पवन देव प्रसन्न हो। हे राजन, इस समय पवन देव का निवास सुमेरु पर्वत है, इसलिए आप वहीं जाकर तप कीजिए। सुमेरु पर्वत तो यहाँ से बहुत दूर है, हमें वेतालों की सहायता लेनी होगी। हे वेतालों, तुरंत हमारे सामने प्रकट हो। कहिए महाराज। वेतालों, हमें सुमेरु पर्वत जाना है। तो जाइए, किसने रोका है? सुमेरु पर्वत यहाँ से बहुत दूर है, तुम दोनों हमें वहाँ पहुँचा दो। तो चलिए महाराज, उड़ चले सुमेरु पर्वत की ओर। दोनों बेताल महाराज विक्रमादित्य को सुमेरु पर्वत पर छोड़ देते हैं और राजा विक्रमादित्य तप करने लगते हैं। ओम पवन देव प्रसन्न हो, ओम पवन देव प्रसन्न हो, ओम पवन देव प्रसन्न हो। हे राजाओं के राजा विक्रमादित्य, देवराज इंद्र की चहिते तेरी साधना से हम बहुत खुश हैं। मांगो, क्या मांगते हो? प्रणाम पवन देव। पवन देव, हम एक महायज्ञ कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि आप हमारे उस महायज्ञ में अतिथि के रूप में पधार कर हमारा सम्मान बढ़ाएं। मेरे कहीं भी जाने का मतलब है भयानक तबाही, आंधी तूफान आ जाएगा, तेरे राज्य की सभी लहलहाती फसलें उजड़ जाएंगी, तेरे राज्य के सभी पेड़ पौधे उखड़ जाएंगे। क्या तू इस तबाही को अपनी आंखों से देखना चाहता है, केवल केवल अपनी जिद के लिए? नहीं देव, हमारा ये मतलब नहीं था। तो फिर वापस चले जाओ। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा।
कभी अकाल नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें काम धेनु गाय देता हूँ, जिससे तुम्हारे राज्य में सदैव दूध व दही की नदियाँ बहेंगी। इस तरह पवन देव वर देकर चले गए। हे वेतालो, यहाँ हमारे पास आओ। कहिए महाराज, तुम दोनों ये गाय और हमें हमारे राज्य में पहुंचा दो। लगता है अब हमारे बुरे दिन आने वाले हैं। क्यों क्यों, ये गाय नहीं देख रहे हो? राजा विक्रमादित्य हमें गाय चराने का काम देने वाले हैं। तुम्हारी बकबक खत्म हुई हो तो चलें। बिल्कुल महाराज। ओम सागर देव प्रसन्न हो, ओम सागर देव प्रसन्न हो, ओम सागर देव प्रसन्न हो। हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। बोलो क्या चाहते हो? प्रणाम प्रभु। महाराज विक्रमादित्य चाहते हैं कि आप उनके महायज्ञ में उपस्थित हों। अगर मैं वहां गया तो मेरे साथ सारा जल भी जाएगा। अगर सारा जल गया तो सभी जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। मैं एक इंसान के लिए सबका त्याग नहीं कर सकता, इसलिए मेरा वहां जाना उचित नहीं। अब मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य से कहना कि मुझे उनका निमंत्रण स्वीकार है। जल की बूंद बूंद में मेरा वास है। वे यज्ञ के लिए जिस जल का प्रयोग करेंगे उनमें मैं भी उपस्थित रहूंगा। वे जो यज्ञ करने जा रहे हैं उनकी मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, और अपनी ओर से राजा को ये 5 बहुमूल्य रत्न और समुद्री घोड़ा देता हूं। इन्हें मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को दे देना। ऐसा ही होगा देव। ब्राह्मण महाराज को दोनों उपहार लाकर देता है और पूरी बात बताता है। हे ब्राह्मण, रास्ते की परेशानी को सहते हुए आप समुद्र के किनारे पहुँचे और कठोर तप करके बहुत कष्ट सह के आपने समुद्र देव को प्रसन्न किया। इसलिए इन दोनों चीजों पर असली अधिकार आप ही का है, अतः आप इसे स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कहानी महाराज विक्रमादित्य के तप, त्याग और दान की। तो कहिए राजा भोज, क्या आपने कभी ऐसा दान दिया है? अगर हाँ तो आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं। हाँ, ये वाकई महान दान था। ऐसा दान आज तक मैंने नहीं किया। Oh, my God.